नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अजय जी के। अब मैं तो लास्ट थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन हो गई थी, उस वजह से कल क्लास नहीं ले पाया, तो अब आज जो है वापस से। तो राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है, आज भी थोड़ा गला बैठा हुआ है, पर थोड़ा आप कोऑपरेट करना मेरे को, क्योंकि सिखा दूंगा, है ना। तो सोनू निगम के भांति सुर नहीं निकाल पाऊंगा, लेकिन जो अच्छे से समझा दूंगा टॉपिक। तो लास्ट अपने प्रजामंडल पूरा पढ़ लिया था दोस्तों। अगर एग्जामिनर हल्का प्रश्न पूछेगा तो पहले पार्ट से आ जाएगा, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछेगा तो सेकंड पार्ट से आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैंने फर्स्ट और सेकंड में से आपको जो है किसी भी प्रकार की मैंने कोई कंजूसी नहीं की मैटर में, अच्छे से अच्छे मैटर दिया हुआ। आपने भी देखा होगा अभी, वो मैटर जो है एक साथ आपको एक बुक में कहीं नहीं मिलेगा, उसमें कम से कम 10 बुक्स से समाहार किया गया है दोस्तों, एक साथ जो है मैटर लिया गया है उसमें। क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट अपने राजस्थान का एकीकरण टॉपिक देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन क्या है इसमें, या तो आप जल्दबाजी करोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, या आप ऐसे नहीं पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो दो ही चांस है, एक तो आप जल्दबाजी करोगे उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन। अगर आपको पूरी लेंथी वीडियो देखनी है एकीकरण की तो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी एकीकरण की। लेकिन दोस्तों अगर आपको चाहिए क्या, इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो अगर आपको चाहिए शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, सिर्फ मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाए, हम एकीकरण टॉपिक जो है पूरा कर लें, तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों आज कुछ इस तरीके से। क्लियर है क्या? तो बातें सारी आ जाएगी, डोंट वरी, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एकीकरण का मतलब होता है दोस्तों रियासतों को एक किया जाना। रियासतों को एक किया जाना दोस्तों, यह संभव हो पाया, मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब रियासतों के एक होने की बात चल रही थी, यानी कि सर बंटवारा होने की बात चल रही थी, तो उस समय सर भारत का वॉइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। बंटवारा हो रहा है तो बेंटन करेगा, बंटवारा कौन करेगा, बांटेगा कौन सर, बेंटन बांटेगा, लॉर्ड माउंटबेटन बांटेगा। क्लियर है क्या? अब उसके समय सर बात कर रहे हैं, इधर सुनिएगा। तो सर 5 जुलाई 1947 की अगर बात की जाए तो सर रियासती विभाग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है सर? रियासती विभाग की। सीधा सीधा क्वेश्चन दोस्तों LSA के एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता है अब की बार आपके एग्जाम में भी पूछा गया, रियासती विभाग की स्थापना। तो रियासती विभाग की स्थापना दोस्तों दिल्ली से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, यानी कि सर करने वाला व्यक्ति कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है दोस्तों इसकी क्या करता है सर, स्थापना करता है। जिसके अंदर दोस्तों सचिव, अगर आपसे पूछा जाए सचिव, तो सचिव बताना दोस्तों आपको वीपी मेनन। तो वीपी मेनन ने दोस्तों इसका सचिव बनाया गया, और SVBP यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई। इसके माध्यम से काम का करना है, रियासती विभाग का काम था रियासतों को एकीकरण करना। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके बाद में चल रहा हूं, इसके सर कुछ 11 दिन पश्चात, ऐसे याद रखना है 11 दिन पश्चात, यानी कि सर दिनांक 16 जुलाई और 16 जुलाई 1947 की अगर बात करूं मैं, 16 जुलाई 1947 की बात करूं, तो गौर कीजिएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये याद रखना, ये अधिनियम याद रखना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट की धारा 8 के तहत, ये फैसला किसके लिए तहत लिया दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत क्या बोला गया, यानी कि सर भारत जो है वो ब्रिटिश सत्ता से मुक्त है, भारतीय स्वशासन जो है वो क्या है, ब्रिटिश सत्ता से मुक्त हो चुका है, सत्ता से मुक्त हो चुका है। और दोस्तों वे रियासतें, क्या कह रहे हैं वो अंग्रेज लोग, वो कह रहे हैं वे रियासतें एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। तो ब्रिटिश सत्ता से मुक्त कब होता है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के तहत अंग्रेजों द्वारा बोला गया भी भारत जो है वो ब्रिटिश सत्ता से अब क्या है, मुक्त हो चुका है, तो 16 जुलाई 1947 को। और इसके पश्चात बात आती है, गौर कीजिएगा मेरे साथियों, बात आती है ऐसी रियासतें जिनकी सर इनकम, तो क्या हो सर, इनकम यानी कि सालाना आय जो हो सर 1 करोड़ रुपए, और वहां की जनसंख्या जो है दोस्तों वो कितनी हो, 10 लाख हो, तो यानी कि सर ये तो होगी सर पॉपुलेशन होगी, और अगर बात की जाए सर इनकम कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़। तो ऐसी रियासतें थी दोस्तों 4, ऐसी राजपूताना की रियासत कितनी थी, 4 रियासत थी जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही थी, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बोल दिया भी इस कंडीशन को अगर कोई फॉलो कर रही है, आपके राज्य के अंदर कोई रियासत है, तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, अपना एक राज्य अलग से स्थापित कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके लिए। तो ये बोला गया, तो रियासत कौन कौन सी थी दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी हो गई जयपुर, एक हो गई दोस्तों जोधपुर, याद रखना ये, एक हो गई बीकानेर,
ऑप्शन कैसे आएगा, और एक आएगी दोस्तों उदयपुर। ऑप्शन में ऐसे आएगा निम्नलिखित में से, यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करने वाली रियासत कौन सी नहीं है, तो इन चार में एक ऑप्शन को ही वो और डालेगा। क्लियर है क्या? तो जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर, जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर, चार ऐसी रियासतें थी। क्लियर है क्या? अब मैं बात करता हूँ दोस्तों मुद्दे पर आता हूँ, तो सात चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था। कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ था? सात चरणों में। कैसे क्या बातें पढ़नी है दोस्तों, अगर थोड़ा सा आपको लेंथी पढ़ना है तो मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए स्टार्टिंग वाली दोस्तों, तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों कोटा, कोटा के शासक की अगर बात की जाए, कोटा के शासक की अगर बात करें एकीकरण के दौरान दोस्तों, किसके दौरान? एकीकरण के दौरान दोस्तों, जैसे कि हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कोटा बूंदी झालावाड़ रियासतों को एकीकरण करके, डूंगरपुर के दोस्तों अगर बात करें लक्ष्मण सिंह द्वारा दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर रियासत को बागड़ संघ बनाने का प्रयास किया गया था, ये पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों मेरा विस्तार से डाली हुई बातें हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों उदयपुर रियासत का तो राजस्थान नवीन संघ जो बनाने का प्रयास किया गया था किसके किसके द्वारा दोस्तों, तो उदयपुर का शासक उस समय था भोपाल सिंह। कौन था? भोपाल सिंह। तो उसके द्वारा दोस्तों यहाँ प्रस्तापित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे सर 25 और 26 जुलाई 1947 को दोस्तों मीटिंग होती है, उसके दौरान जो है ये बातें सारी रखी जाती है, तो वो थोड़ा सा क्या लेंथी हो जाएगा ज्यादा लिखना, तो उसको अगर आप देखना चाहते हो तो पिछला वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हो, लेकिन इसमें शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको बता रहा हूं मैं। क्लियर है क्या? चलो अब सातों चरणों पर विचार करते हैं जल्दी से, कौन कौन से सात चरण थे, कैसे कैसे याद रखना है उनको, तो उनमें साथ साथ रियासतें। तो दोस्तों आपको याद रखना है पहले तो उनके चरणों के पहले याद रखना है कितने चरण थे, सात। वॉइसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन था, बस इतना से याद रखना। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता रहा हूं किसके बारे में, गौर से सुनिएगा, तो सर सात चरण है, पहले बोलो 18, 25, 18, 30, 15। ठीक है, 18, 25, 18, 30, 15। अब बोलो सर 3, 48, 3 तो है सर 48 में, और सर 2, 49 में है, 2, 49 में है, और नेक्स्ट 1, 50 में है, और 1, 56 में है सर। तो बोलना है 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56, 3, 48, 2, 49, 1, 50, 1, 56। बोलने का तरीका ये होना चाहिए। अब दोस्तों आपको याद रखना है एकीकरण जो है वो 18 मार्च से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था सर? 18 मार्च से शुरू हुआ था, और याद रखने वाली बात है दोस्तों, याद रखिएगा, बोलो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को हमारा एकीकरण कंप्लीट हो गया था, राजस्थान बनके तैयार हो गया था। तो चला कब से सर? 18 मार्च से। तो दोस्तों यहां से लेके यहां तक का जो सफर है ये समय कितना है दोस्तों, याद रखना 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 और 7 तो 15 होते हैं, लेकिन 14, तो 8 वर्ष है ये, 7 माह है, और कितने दिन है सर? 14 दिन है। तो सर 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, तो 8 और 7 15 नहीं सर, 14 होते हैं एकीकरण के लिए। अब सुनना बाकी की दिनांक। छठा चरण दोस्तों 26 में, छठा चरण कब है सर? 26, और 26 तो आप जनवरी बनाते हो या नहीं बनाते, तो 26 जनवरी 1950। अब देखना पहला चरण 18 मार्च से शुरू हो रहा है, तो दोस्तों पहले जो है तो पहले चरण के बाद में दूसरा चरण है वो 7 दिन बाद ही बन गया था। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। बताओ मेरे को महीना चेंज होगा क्या? नहीं होगा सर। ये लो अब सर 18, 25, 18, 18 वापस से आ रही है, तो दोस्तों मार्च की नहीं आएगी, अप्रैल महीने की आएगी। ये देखिए पूरा बॉक्स आपका पहला 3, 48 वाला कंप्लीट हो चुका है, तो 3, 48 तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। अब देखो दोस्तों पहला अगर बॉक्स आपने 48 वाला मार्च महीने से शुरू किया है, तो दूसरा बॉक्स भी आपको मार्च से शुरू करना होगा। किससे शुरू करना होगा? मार्च से। तो सर चौथे चरण का दिनांक कितनी आएगी? 30 मार्च 1949। अब इसके अंदर सर मार्च के अब 30 में 15 सर 2 का डिवाइड करने पे, और मार्च के बाद में सर 2 का डिवाइड करोगे तो सर क्या आएगा? मई आएगा। तो 2 महीने आगे चलना है दोस्तों, तो मार्च के बाद में मई, तो ये कंप्लीट हो जाता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों इस दिन की मतलब देखिएगा, तो ये वाला दिन दोस्तों आप मनाते हो राजस्थान दिवस के रूप में। किस रूप में मनाते हो? राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हो दोस्तों प्रत्येक वर्ष, और ये वाला जो दिवस मनाते हो आप राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में। दोनों दिनों के अंदर फर्क है याद रखना, तो राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। क्लियर? तो ये पूरे पूरे सर क्या हो गए? दिन याद हो गए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपके प्रश्न पूछा जाएगा इस चरण के अंदर राजप्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, ऐसी सब बातें पूछी जाएगी। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले सर पहले चरण का नाम याद करना है, तो वो है सर बोलो मत्स्य संघ। कौन सा संघ है सर? मत्स्य संघ। नंबर 2 पर बात की जाए तो दोस्तों पूर्व क्षेत्र में आ रहा है, पूर्व क्षेत्र में आ रहा है, तो दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान संघ। नंबर 3 पे बात की जाती है तो दोस्तों संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त
राजस्थान संघ। नंबर चार पर बात की जाती है दोस्तों, वृहद राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम क्या था? वृहद राजस्थान संघ। और पांचवें चरण की बात की जाती है दोस्तों, संयुक्त वृहद या वृहत्तर राजस्थान संघ। संयुक्त वृहद या वृहत्तर राजस्थान संघ दोस्तों, याद रखना वृहत्तर राजस्थान संघ। ये जो नाम आता है वो दोस्तों किसका आता है, याद रखना पांचवें चरण का। छठे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राजस्थान संघ। और सातवां दोस्तों आधुनिक राजस्थान संघ, आधुनिक राजस्थान संघ, ये लीजिएगा। तो ये आपके सामने दोस्तों सातों चरणों के नाम याद हो चुके हैं, उनकी दिनांक याद हो चुकी है। अब क्या बचा दोस्तों, इस चरण में कितनी रियासतें शामिल की गई थी, ये बातें। तो बात आई रियासत की, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो पहले का मत्स्य, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त वृहद, चौथा वृहद सॉरी तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा वृहद, पांचवां संयुक्त वृहद और छठा राजस्थान और सातवां सर आधुनिक राजस्थान संघ। शाबाश, देखिएगा भाई। इसके पश्चात अपने सर मैं बता रहा हूं आपको, बोलो एकीकरण के दौरान सर 19 रियासतें, तीन ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। 19 रियासतें, तीन ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। चलो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, एकीकरण के दौरान राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए एकीकरण के दौरान राजपुताना में, राजपुताना में क्या होगा सर? 19 रियासत होगी। क्या होगी सर? आपको विलय किनका करना है सर? 19 रियासतों का करना है सर। तीन ठिकाने होंगे, तीन ठिकाने होंगे दोस्तों, इनका का विलय करना है। एक केंद्र शासित प्रदेश होगा सर, ये भी मिलेगा। केंद्र शासित का मतलब सीधा सीधा सर केंद्र का शासन था इस पे, और उसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि दोस्तों अजमेर के क्षेत्र पहले मेरवाड़ा नाम से जाना जाता था। तो अजमेर मेरवाड़ा जो है दोस्तों क्या हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को? देखिएगा, शाबाश। तो पहला 19 रियासत, तीन ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो इसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों, यहां पर क्या था 1952 से लेके 56 तक सर इसका क्या रहा था सर? पॉलिटिक्स अलग ही रहा था, संविधान इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या रही थी? राजनीतिक व्यवस्था अलग ही रही थी। अगर आपसे पूछी जाए राजनीतिक व्यवस्था अलग रही थी दोस्तों किससे? राजपुताना से। क्लियर है क्या? 1952 से 56 तक, क्लियर। केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था, इसके अंदर दोस्तों आपको एकमात्र और प्रथम और अंतिम मुख्यमंत्री मिलेंगे, जिनका नाम था सर हरिबाहु उपाध्याय। क्या नाम था? हरिबाहु उपाध्याय। इस जो है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश के अंदर राजनीतिक व्यवस्था जो थी, ये सभा थी जो अलग ही है ना, अजमेर मेरवाड़ा क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा को यहां पर संचालित सभा थी, उसको धारा सभा के नाम से जाना जाता था। किस सभा के नाम से जाना जाता था? धारा सभा। और इसके अंदर दोस्तों सदस्य अगर आपसे पूछ ले तो 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? टोटल 30 सदस्य थे। एकमात्र प्रथम व अंतिम मुख्यमंत्री की बात की जाएगी, हरिबाहु उपाध्याय। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा की अगर बात करें दोस्तों यहां पर, तो इसे सर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों याद रखिएगा, किस 1 नवंबर 1956 को किसको सर? अजमेर को क्या बना दिया सर? राजस्थान का 26वां जिला बनाकर राजपुताना में शामिल कर लिया जाता है, जिसका आरजे नंबर भी दोस्तों 01 है। कितना है सर? 01 है, याद रखना। तो सर 01 आरजे नंबर अजमेर, 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश से हटकर सर क्या बना? 26वां जिला बना था राजस्थान का। कंप्लीट हुआ ये वाली बात। अब इसके बाद सर तीन ठिकाने ये लीजिएगा। तो तीन ठिकाने कौन कौन से है दोस्तों, याद रखना नकुल शब्द से, याद रखना है नकुल से। तो नकुल से में नैसे नीमराणा, नैसे नीमराणा। दो नंबर पर दोस्तों कुशलगढ़, दो नंबर पे कौन सा है? कुशलगढ़। और तीन नंबर पे है दोस्तों लावा, कौन सा है? लावा। तो नीमराणा कुशलगढ़ जो लावा, नीमराणा पड़ता है दोस्तों अलवर में। नीमराणा कहाँ पड़ता है? अलवर में। कुशलगढ़ पड़ता है दोस्तों बांसवाड़ा में। सबसे बड़ा जो है दोस्तों वो नीमराणा, सबसे छोटा जो है वो लावा। लावा दोस्तों उस समय जयपुर में था, लेकिन इन प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो सर टोंक में आता है। कौन पर आता है सर? टोंक में आता है, याद रखना। इन प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए तो सर वर्तमान में जो है ये कहाँ पर आता है सर? टोंक में आता है। अब गौर कीजिएगा, नीमराणा राव राजेंद्र, बोलो राव राजेंद्र, राव हरेंद्र और वंश प्रदीप, वंश प्रदीप।
बोलना बहुत आसान है दोस्तों, इनके ठाकुरों के नाम बोलो, राव राजेंद्र राव हरिंदर वंश प्रदीप, राव राजेंद्र राव हरिंदर वंश प्रदीप, राव राजेंद्र राव हरिंदर वंश प्रदीप, ये क्या हो गए सर, इनके ठाकुर हो गए। सबसे बड़ा निमराणा तो छोटा कौन सा हो जाएगा सर, लावा। जब अलवर रियासत मिलेगी तो निमराणा मिलेगा, जब बांसवाड़ा मिलेगी तो कुशलगढ़ मिलेगा, जब जयपुर मिलेगी तब लावा मिलेगा, टोंक मिले तब मत मिला दियो, ध्यान रखना। टोंक में तो वर्तमान में आता, उस समय जयपुर में था, ठीक है, सबसे छोटा ठिकाना। तो ये सर ठिकाने और 19 रियासतों की बात अपने की सर, ये क्या था एकीकरण के दौरान अपने राज बताना में देखने को मिलता। फटाफट से स्क्रीन शॉट लीजिए। शाबाश शाबाश दोस्तों, शाबाश। तो मेरे हिसाब से अपने जो है 30% टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। एक एक बात पे गौर करना अच्छे से। शाबाश, तो यहां तक कंप्लीट हुआ सभी का। गुड, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं। अब जो चरणों में आपको रियासतें शामिल करनी है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई दोराई नहीं आएगी आपको समझने में, बस ध्यान थोड़ा सा इधर बोर्ड पे बना के रखिएगा अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो ऑर्डर मिले, तो यहां पर सर सबसे पहले पहला चरण जो है अपने राजस्थान के अंदर, उस चरण का नाम आया सर मत्स्य संघ। क्या नाम आया? मत्स्य संघ। अब मत्स्य संघ का उद्घाटन दोस्तों भरतपुर में होता है। कहां पर होता है? भरतपुर के लोहागढ़ के किले में हुआ था दोस्तों, याद रखना। भरतपुर के लोहागढ़ के किले के अंदर दोस्तों मत्स्य संघ का क्या किया जाता है? उद्घाटन। पहले दोस्तों सबसे पहले भरतपुर, फिर कोटा, कोटा जयपुर, बोलो। भरतपुर उद्घाटन की बात आती है ना, पहले का उद्घाटन कहां पर हुआ, दूसरे का? तो बहुत ही आसान है, याद करना। बोलो भरतपुर कोटा कोटा, भरतपुर कोटा कोटा जयपुर, भरतपुर कोटा कोटा जयपुर, चार ही जगह, तीन ही जगह तो उद्घाटन याद करने हैं। भरतपुर कोटा कोटा जयपुर, पहले में भरतपुर, दूसरे में कोटा, तीसरे में भी कोटा, चौथे में जयपुर। क्लियर है क्या? तो मत्स्य संघ दोस्तों भरतपुर में उद्घाटन हुआ। अब इसके अंदर चार रियासतें मिलाई गई, तो सबसे पहले दोस्तों ए बी सी डी का मतलब हुआ अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अब मैं देखो, अगर आपको टेबल स्वरूप पढ़ना है तो पीछे वाली वीडियो को देख लीजिएगा, परंतु दोस्तों मैं रिवीजन करवा रहा हूं, तो पढ़ तो आपने रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब मैं, अगर मैं यहां पर पूरी डिटेल लिखता हूं तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी दोस्तों याद रखना। अब यहां पर सर सबसे पहले अगर राजधानी की बात की जाती है, तो राजधानी बनाई गई सर अलवर को। राजधानी किसे बनाई गई? अलवर को बनाई गई। अब देखिएगा दोस्तों, अलवर को राजधानी बनाई सर, अलवर का शासक था तेज सिंह। कौन था? तेज सिंह। परंतु दोस्तों यहां पर धौलपुर का शासक, परंतु यहां पर क्या है? धौलपुर का शासक है, धौलपुर का शासक है सर भूपाल सिंह, सॉरी उदयभान सिंह। धौलपुर का बुजुर्ग शासक कौन है? उदयभान सिंह दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेता है, उदयभान सिंह जो है दोस्तों, याद रखना, धौलपुर का ये उदयभान सिंह। क्लियर है क्या? ये व्यक्ति यहां पर बनेगा दोस्तों राज प्रमुख। क्या बनेगा यहां पर? ये राज प्रमुख बनेगा, राज प्रमुख बनेगा। तो राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह को। राजधानी किसकी है सर? अलवर। अब देखना, पहले एक कंडीशन क्या हो गई थी, बड़ी रियासत राजधानी बनेगी, गौर करना मेरी बात पे, बड़ी रियासत राजधानी बनेगी और उसी राजधानी का जो शासक है वो क्या बनेगा सर? राज प्रमुख बनेगा। ये दो कंडीशन फाइनल हुई थी, बड़ी रियासत राजधानी बनेगी और उसी राजधानी का शासक क्या बनेगा? राज प्रमुख बनेगा। सबसे बड़ा पत्था एकीकरण के दौरान राज प्रमुख का। तो राजधानी अगर अलवर है, राजधानी अगर आप सर अलवर बता रहे हो, तो अलवर का शासक तेज सिंह क्यों नहीं बना? क्योंकि दोस्तों तेज सिंह तो जो था वो क्या था सर, गांधी जी के हत्या के सिलसिले में, किसके केस में सर? गांधी जी हत्या सिलसिले में, हत्या सिलसिले में जेल में था ये। क्लियर है क्या? इसके साथ में एक इसका दीवान भी था जिसका नाम अनबे खर्रे मिलता है दोस्तों। इसके साथ में इसका क्या था? एक दीवान था जिसका नाम अनबे खर्रे है, है ना? तो ये था। अब ये सर इसीलिए जो है ये क्या नहीं बनाया सर? राज प्रमुख नहीं बनाया। उदयभान सिंह जो बुजुर्ग शासक था, बोला एक्सपीरियंस होल्डर बंदा है, इसको बना देते हैं। अब देखिएगा यहां पर एक बात और आती है, गौर कीजिएगा मेरी बात पे सर। एक तो पद आया राज प्रमुख का, पहला पद आपसे पूछा जाए, मैं देखो ट्रिक से भी बता दूंगा लास्ट में। पहला राज प्रमुख आ गया, फिर राजधानी आ गई, फिर अगर बात की जाती है दोस्तों यहां पर उद्घाटन करता, तो उद्घाटन करता भरतपुर के किले में, लोहागढ़ के किले में दोस्तों, याद रखना, करने वाला एन वी गोडगिल।
एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल का मतलब होता है दोस्तों नरहरि विष्णु गोडगिल। ये क्या है सर, यहाँ पर उद्घाटन करता है, ये क्या है दोस्तों उद्घाटन करता के रूप में एन नरहरि विष्णु गोडगिल। और याद रखना दोस्तों ये मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था वो के एम मुंशी के द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी। तो कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के द्वारा दोस्तों मत्स्य संघ नाम दिया गया, नामकरण किया गया था, यानी कि क्या किया गया था, नामकरण किया गया था, याद रखना है। तो राजधानी अलवर, राज प्रमुख सर कौन हो जाएगा, उदयवंश सिंह। और दोस्तों याद रखना करौली का जो बलदेव बहादुर है दोस्तों, याद रखना का सर करौली की अगर बात की जाए, सर करौली का शासक सॉरी गणेशपाल, बहादुर नहीं याद करना, करौली का जो है दोस्तों यहां पर गणेशपाल, सी से करौली है, बी से भरतपुरा, ए से अलवर है, डी से धौलपुर है, कहीं सोच लो सर एबीसीडी क्या है। तो गणेशपाल जो क्या था सर, करौली का शासक था, ये बनता है दोस्तों उपराज प्रमुख। क्या बनता है, उपराज प्रमुख। तो आई थिंक दोस्तों मैंने जो पहले आपको टेबल करवा रखी है वो पूरी याद होगी होगी आपको यहाँ पे। तो पहले चरण के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सारी बातें आ चुकी है, क्लियर है क्या। अब याद रखना इसकी दिनांक तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 मार्च है, 18 मार्च 1948। अब दोस्तों याद रखना ये जो है क्या सर, ये चरण आपको रखना है अलग, इसको मिक्स नहीं करना एक बार के लिए, इसको एक बार के लिए बताया और इसको अलग रख दिया। दूसरे चरण में आओ, दूसरे चरण में दोस्तों याद रखना 7 दिन बाद ही हो जाता है, 7 दिन बाद मतलब सर पूर्व राजस्थान संघ, 7 दिन बाद कौन सा बनेगा, पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ की जब बात आती है, गौर से सुनिएगा दोस्तों, इसकी दिनांक जो बोलो तो सर 18 के अगर 7 दिन बाद होता है तो सर 25 मार्च की दिनांक आएगी, 25 मार्च 1948। ऊपर वाले में मिक्स नहीं करना, ये अलग कर देता हूं मैं। तो 25 मार्च 1948 पूर्व राजस्थान संघ में दोस्तों 9 रियासतों का विलय हुआ था, बोलना है 7 दिन बाद 9 रियासतों का विलय, 7 दिन बाद 9 रियासतों का विलय। पहले चरण के अंदर दोस्तों 4 रियासत और एक ठिकाना नीमराणा, याद आया क्या, तो 4 रियासत और एक ठिकाना, एक ठिकाना लिख रहा हूं मैं यहां पर, देखिए 4 रियासत और एक ठिकाना लिख दिया। अब इसके अंदर दोस्तों 9 रियासत मिल रही है, कौन कौन सी, तो बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो, इससे देखो पास पास वाली सारी 9 रियासतें बोलनी है, बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक, द्वारा बोलता हूं, बांसवाड़ा बूंदी झालावाड़ डूंगरपुर किशनगढ़ कोटा प्रतापगढ़ शाहपुरा टोंक। सर क्या आया यहां पर बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा क्या सर कुशलगढ़ आया नहीं आया, कुशलगढ़ ठिकाना आ गया कि नहीं आ गया बोलो, कुशलगढ़ आ गया सर ठिकाना। तो इसमें दोस्तों आप देखिएगा सीधे सीधे शब्दों से पता चल रहा होगा 9 रियासत और एक ठिकाना आया नहीं है। तो दोस्तों सेकंड चरण के अंदर 9 रियासत और एक ठिकाने थे, अब पहले को अलग रखना है, उसमें मिक्स नहीं करना एक बार के लिए, मतलब थोड़ी सी वो जो महिला थी ना शादी करके आई और आते ही थोड़ी अलग होने का प्रयास किया, तो अलग कर दो इसको, इसको वापस मिलाएंगे फैमिली में। अब दोस्तों यहाँ पर वही क्वेश्चन वापस है, राज प्रमुख कौन था सर, राजधानी कौन सी थी, उद्घाटन करता कौन था, है ना, ये वाली बात। तो पीएम भी दोस्तों याद रखना है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दोस्तों याद रखना है, पीएम, पीएम की अगर बात की जाएगी तो पीएम आएगा सर यहाँ पर शोभा राम कुमावत, कौन आएगा, शोभा राम कुमावत। और शोभा राम कुमावत दोस्तों अलवर रियासत से थे, कौन सी रियासत से थे, अलवर रियासत के शासक प्रधानमंत्री दोस्तों शोभा राम कुमावत को बनाया गया था। अब देखिएगा पूर्व राजस्थान संघ में फिर से वापस वही क्वेश्चन, देखिएगा इसमें राजधानी, राजधानी के बाद में राज प्रमुख, राज प्रमुख के बाद में दोस्तों उद्घाटन करता, और उद्घाटनकर्ता के साथ आपको याद रखना पीएम, चार क्वेश्चन ये मेरी तरफ से याद रखना। उपराज प्रमुख भी आप देखो पढ़ लो भले ही, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले चरण एकमात्र चरण ऐसा दोस्तों मत्स्य चरण, जिसके अंदर दोस्तों क्या किया गया था सर, क्या किया गया था याद रखना है, उप प्रधानमंत्री का पद भी था पहले चरण में दोस्तों, उप प्रधानमंत्री का भी चरण था, उप प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री बनाया गया दोस्तों जुगल किशोर चतुर्वेदी को, किसको बनाया गया, जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों याद रखना राजस्थान का नेहरू या दूसरा नेहरू जी के नाम से जाना जाता है, जो प्रथम चरण के अंदर क्या रहता है, उप प्रधानमंत्री रहता है। अब इनके क्वेश्चनों के आंसर करो, सबसे बड़ी रियासत है सर कोटा, कौन है, कोटा। तो कोटा, कोटा की अगर बात की जाए तो राजप्रमुख कोटा का शासक कौन बनेगा सर, कोटा का शासक दोस्तों राजप्रमुख बनेगा, जल्दी से याद रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों राजप्रमुख, मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उदय भीम भोपाल मान सिंह, उदय भीम भोपाल, पहले में राजप्रमुख कौन था, उदय मान सिंह, दूसरे में भीम सिंह, तीसरे में सर भोपाल मान सिंह, भोपाल सिंह, और चौथे में मान सिंह। तो इस तरीके से याद रखना है, तो यहां पर राजप्रमुख आ जाएगा दोस्तों कोटा का शासक भीम सिंह
क्लियर है क्या? सेकंड, अब देखिएगा उद्घाटनकर्ता की बात आती है तो एनवी गोडगिल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, चार में उदाहरण है तो गोडगिल फिर गोडगिल फिर चाचा मतलब नेहरू जी और फिर पटेल, तो चारों में उद्घाटनकर्ता गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। राजप्रमुख का उदय, उदयभान सिंह, भीम, भीम सिंह, भूपाल, भूपाल सिंह, मान सिंह, तो पहले में सर उदयभान सिंह, दूसरे में भीम सिंह सेकंड, तीसरे में सर अगर बात की जाए तो भूपाल सिंह उदयपुर का, चौथे में मान सिंह। अब देखो चार तो कम से कम याद करने, प्रश्न आपको यहीं से आ जाएंगे। उद्घाटनकर्ता सर इसमें भी कौन से हो जाएंगे? एन वी गोडगिल हो जाएंगे। पीएम की बात करेंगे दोस्तों तो एस जी एम एच जी से आ जाएगा दोस्तों गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा, और गोकुल लाल असावा दोस्तों शाहपुरा रियासत से थे। कौन सी रियासत से थे? शाहपुरा रियासत से। रूपराज बूंदी का बलदेव दोस्तों याद रखना, बूंदी का बलदेव सिंह जो था दोस्तों याद रखना, बूंदी का शासक यहाँ पर क्या बनता है? उपराज प्रमुख बनता है। तो ये दूसरा चरण हो गया जिसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। इसे दोस्तों राजपुताना संघ के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है, परंतु पूर्व राजस्थान संघ याद रखना, ठीक है। पहली बार दोस्तों एकीकरण के दौरान राजस्थान नाम जो है प्रयुक्त किया गया दूसरे चरण में। छठे चरण के अंदर दोस्तों याद रखना 1 नवंबर 1956 को दोस्तों केंद्र शासित केंद्र द्वारा दोस्तों इसे क्या कर दिया? पारित कर दिया गया, अभी राजस्थान नाम इसका फिक्स कर दो अब। चलो अब इसके बाद में सर तीसरा चरण आता है, तीसरे चरण की बात की जाती है, समझ में आ रहा होगा। तीसरे चरण की अगर बात की जाती है दोस्तों याद रखना, तीसरा चरण फटाफट से करते हैं भाई नेक्स्ट। तीसरे चरण की बात की जाती है दोस्तों, नाम आएगा संयुक्त राजस्थान संघ। क्या आएगा? संयुक्त राजस्थान संघ। तो संयुक्त राजस्थान संघ की स्थापना आपको बताइए सर कब होती है? 18 अप्रैल 1948 दोस्तों कुछ ही नहीं किया गया, 9 रियासतें इधर थी, इसमें सिर्फ एक रियासत मिलाई गई उदयपुर। तो दोस्तों पहले चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ, यानी कि दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान संघ, और इसमें क्या मिला दिया सर? उदयपुर। तो इसके अंदर सर एक रियासत और मिला दी, तो यहां पर कितनी रियासत हो चुकी है दोस्तों? 10 रियासत। कोई ठिकाना मिला क्या? नहीं सर, तो एक ठिकाना याद रखना, क्लियर है। और बाकी वही सब क्वेश्चन, राजप्रमुख कौन था? भीम राजप्रमुख कौन था? राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखना, राजधानी अगर इसमें पूछेगा तो उदयपुर। राजधानी कौन सी होगी? उदयपुर। उदयपुर का शासक ही राजप्रमुख बनेगा, तो राजप्रमुख बनता है दोस्तों याद रखिएगा, इसमें कौन बनेगा? भूपाल सिंह। कौन बनेगा? भूपाल सिंह। और चौथे के अंदर सॉरी, अगर इसके बाद कीजिए उद्घाटनकर्ता की, तो गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल उद्घाटनकर्ता, उद्घाटनकर्ता की बात करेंगे तो दोस्तों नेहरू जी आएंगे। कौन आएंगे? नेहरू जी आएंगे। और इसके अंदर दोस्तों अगर बात की जाए उपराजप्रमुख की, तो उपराजप्रमुख जो आता है, उपराजप्रमुख आता है वो कौन आता है दोस्तों? उपराजप्रमुख आता है इसमें भीम सिंह कोटा का। कौन आएगा? भीम सिंह। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसके पश्चात चौथा क्वेश्चन एक बचता है पीएम का, तो पीएम जो इसमें एसजीएमएच से माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा दोस्तों मेवाड़ रियासत से थे, यानी कि बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर जन्म हुआ था इनका। तो ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों तीसरा चरण। और इसके बाद में दोस्तों चौथे चरण में याद रखना, चार बड़ी बड़ी रियासत, चौथे चरण का नाम आ जाएगा दोस्तों वृहद राजस्थान संघ। क्या आएगा? वृहद राजस्थान संघ। चार बड़ी बड़ी रियासतों का विलय इसमें किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखना किसे बन गए? एक तो संयुक्त राजस्थान संघ, नीचे वाला ऊपर उठा लो, और इसमें चार बड़ी बड़ी रियासतें बोलो, ट्रिपल जे बी, ट्रिपल जे बी, यानी कि सर ट्रिपल जे का मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। बोलो मेरे साथ, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चार रियासतें सर संयुक्त राजस्थान संघ में मिलाते ही। पहले कितनी थी हमारे पास? इस गाड़ी में कितने बैठे हैं? 10 रियासत और एक ठिकाना बैठा है। तो लेकिन सर अब की बार तो जैसे कि हमने पकड़ा जयपुर है, और जयपुर में सर कौन सा ठिकाना है? लावा है। ये लो सर, इसके भी मिलने के दिन आ चुके हैं अब, क्लियर है क्या? अकेला बेचारा कब से तन्हा पड़ा था। तो देख लीजिएगा दोस्तों 14 रियासत, और यहाँ पर अब कितने ठिकाने हो चुके हैं? 2 ठिकाने हो चुके हैं, 10 और 4 14, और एक ठिकाना पहले था, एक और मिल गया, तो सर कितने हो गए? 2 ठिकाने हो गए। अब इसके अंदर वही प्रश्न वापस से, वही प्रश्न वापस से दोस्तों, राजधानी, राजप्रमुख, राजप्रमुख, उद्घाटनकर्ता और पीएम, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन दोस्तों वापस से तैयार हो जाते हैं? तो राजधानी तो दोस्तों आप सभी को पता है आज भी वही है जयपुर। राजप्रमुख दोस्तों बात की जाएगी तो मानसिंह, जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय को या स्वाई मानसिंह को बनाया जाता है। उद्घाटनकर्ता की अगर बात की जाती है, उद्घाटनकर्ता की, तो गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल आ जाएंगे। और पीएम की अगर बात की जाएगी दोस्तों, उद्घाटन भी याद रखना पहला भरतपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा भी कोटा में, लेकिन चौथा जयपुर में होता है, तीसरा उदयपुर में नहीं होता दोस्तों याद रखना, तीसरा कोटा के दुर्ग में होता है। पटेल और प्रदा इसका, पीएम की अगर बात की जाए तो एसजीएमएच से दोस्तों हीरालाल शास्त्री,
हीरालाल शास्त्री जो मेवाड़ जयपुर प्रजामंडल के दौरान सचिव के पद पर रहे थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री फिर 1940 में अध्यक्ष पद पर आए थे, जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट भी किया था दोस्तों, आप सभी को याद होगा। तो ये दोस्तों आया वृहत राजस्थान संघ। लेकिन इसके अंदर एक खास बात याद रखनी है, इसमें दोस्तों एक महाराज प्रमुख का पद जो है डिसाइड हुआ था, किसका? महाराज प्रमुख ये बना था दोस्तों उदय भान सिंह। दोस्तों याद रखना, एकमात्र अपाहिज शासक, ये हैंडीकैप्ट था दोस्तों अपाहिज शासक एकीकरण के दौरान, वो कौन था? उदय भान सिंह। और उदय भान सिंह को दोस्तों महाराज प्रमुख का पद जो है वो दिया गया था कौन से चरण में? चौथे चरण में। कौन से चरण में दिया गया था? चौथे में दिया गया था। यहां पर दोस्तों याद रखना, बांसवाड़ा रियासत का चंद्र भान सिंह जो है, सॉरी डूंगरपुर रियासत का नहीं, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह जो है दोस्तों क्या कहता है, भी मैं इस रियासती पत्र पर साइन करते समय कहता है मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। दोस्तों याद रखना, कौन कहता है? चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा रियासत के चंद्रवीर सिंह ने कहा रियासती पत्र पर हस्ताक्षर करते समय भी मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। चौथे चरण के अंदर दोस्तों उदय भान सिंह को क्या बनवाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। चौथे चरण का दोस्तों चौथे चरण के अंदर दोस्तों याद रखना प्रथम राजस्थान दिवस मनाया गया। प्रथम राजस्थान दिवस देखा जाए तो दोस्तों पूरे के पूरे राजस्थान की रियासतें अब मिल चुकी है 30 मार्च 1900, क्योंकि वो उधर अलग मिल चुकी है 1949, वो अलग मिल चुकी है ये सारी रियासतें, यानी कि मूल रूप से देखा जाए एकीकरण दोस्तों बड़े बड़े रूप पे हो गया है। बाद में सिरोही बस्ती है, दो चरण उसी में निकल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पांचवां चरण इनको मिलाने में इसका मतलब निपटारा, बोला घर में लेके आओ, बेचारी आ गई अलग हो गई, अब खाना पकड़ने में इसको जोर आ रहा है अकेली को, तो इसको घर में लेके आओ। तो पांचवें चरण के अंदर तो चौथे के अंदर ये मिलाई जाएगी, छठे के अंदर क्या होगा छठे में भी बता देंगे। तो सर प्रथम राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को सत्यनारायण समिति की सिफारिश से बनाया गया। कौन सी समिति की सिफारिश से? सत्यनारायण समिति इस बारे से जयपुर में, और अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें मूल से चार चरण आपको समझ में आ गए होंगे। पांचवें चरण की अगर बात की जाएगी तो पांचवें चरण में दोस्तों याद रखना पहले चरण के अंदर चौथा मिला दिया जाएगा। तो पहले चरण में चौथा मिलाते ही ये पांचवां चरण निकला, और पांचवें चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ या वृहत राजस्थान संघ। दिनांक की थी क्या थी सर? 15 मई 1949। इसके अंदर अब रियासतें गिन लो कितनी होगी, 14 इधर थी, 4 और मिल गई, तो 18 रियासत आ चुकी है। 2 ठिकाने इधर थे, 1 ठिकाने इधर हो गया, तो 3 ठिकाने, तो 18 रियासत और 3 ठिकाने जो है वो पांचवें चरण के अंदर है। यहां तक क्लियर हुआ सभी का? तो ये सब बातें दोस्तों पांच चरणों की रहती है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको दो बातें और इसके बाद में जो है अपने वीडियो करते हैं समाप्त। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा सभी का, तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने शॉर्ट में बता दिया है भाई। तो आधे घंटे के अंदर आपका एकीकरण हो रहा है, जो कम से कम 4 घंटे का टॉपिक है दोस्तों, जो आपको आधा घंटे में हो जाएगा, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। तो छठे चरण के अंदर मैं दो बातें बता रहा हूं दोस्तों आपको, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दोहराई नहीं है इसमें, कोई दोहराई नहीं है, बहुत ही ईजी सा मैटर है, आसानी से कर सकते हैं अपने, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो डर गए तो मर गए समझ लेना। देखिएगा सर छठे चरण में क्या होता है, मैं आपको बता, पांच चरण सर मत्स्य सर हो गए, छठे चरण में क्या होगा? पांचवें चरण का नाम क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। अब संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में क्या है सर? 18 रियासत और सर 3 ठिकाने हैं या नहीं है? तो संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सर सिरोही को मिला दिया जाता है, यानी कि 19वीं रियासत जो थी सिरोही बची हुई थी उसको मिला दिया, और छठा चरण हमारे पास निकल के आ गया। इसको मिलाया लेकिन सर आबू देलवाड़ा को छोड़ के, किसको छोड़ के? आबू देलवाड़ा को छोड़कर। क्लियर? तो आबू देलवाड़ा को छोड़कर सर संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में सिरोही को मिला दिया गया। अब सर जो छठा चरण निकला उसका नाम आया राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और अब राजस्थान संघ नाम आया, अब गौर से सुनना, इसके अंदर बदलाव क्या किया जाता है? तो बदलाव दोस्तों इसके अंदर आता है, पीएम का पद सीएम में कन्वर्ट कर दिया गया, और प्रथम सीएम बने थे दोस्तों हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री दोस्तों याद रखिएगा प्रथम क्या रहते हैं सीएम, तो याद रखना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे, ये बात याद रखना छठे चरण में। इसके बाद आती है दोस्तों सातवें चरण की बात, और आपका एकीकरण हो जाता है समाप्त। तो सातवें चरण के अंदर दोस्तों देखिएगा मैं एक बात बता रहा हूं, क्या नया छठे चरण का नाम? राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ में क्या किया गया? तो राजस्थान संघ में सर मिलाया गया है जो छोड़ा गया था, मिलाया गया है जो छोड़ा गया था, छोड़ा क्या गया था? आबू देलवाड़ा मिला दो,
मिला क्या रहा हूं उसको प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, और हटा क्या रहा हूं उसको माइनस से। आबू देलवाड़ा मिला दिया प्लस में। दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, मैंने कहा था 1 नवंबर 1956 को सर क्या बना, राजस्थान का 26वां जिला बनकर तैयार हो जाता है, तो अजमेर मेरवाड़ा को भी मिला दिया। अब सर इसको मिलाने के पश्चात और क्या मिलाया, तो दोस्तों याद रखना यहां पर बात मेरी, सर सुनेल टप्पा एक स्थान है, कौन सा स्थान है सर, सुनेल टप्पा, और सुनेल टप्पा दोस्तों है किसका, मध्य प्रदेश का, इसको मिला लिया जाता है मंदसौर जिले के, सुनेल टप्पा को मिलाया और हटाया क्या दोस्तों याद रखना, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र दोस्तों याद रखना ये मध्य प्रदेश को दे दिया गया, किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो माइनस किया है वो हटाया है और जो प्लस किया है वो जोड़ा है। तो सातवें चरण में जोड़ा क्या गया, आबू दिलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा जो यहाँ पे छोड़ के आया था ना ये वाला, इधर जोड़ दिया अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा मंदसौर जिले का क्षेत्र था को इधर दे दिया झालावाड़ में, और झालावाड़ का सिरोंज था वो दे दिया मध्य प्रदेश को, अदला बदली कर ली, क्लियर है क्या। अब सातवें चरण के अंदर ये बात हुई, सातवें चरण की विशेष बातें सुन लो, बदलाव सुन लो, बदलाव था दोस्तों 1956 में सातवां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, सातवां संविधान संशोधन हुआ था, और इसके तहत दोस्तों राज्य राज प्रमुख का पद राज प्रमुख से क्या बना दिया, राज्यपाल बना दिया, और प्रथम राज्यपाल बने थे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, क्लियर है क्या। तो गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों राज्यपाल बने थे। सातवें चरण के अंदर दोस्तों जो मुख्यमंत्री पद पर आते हैं वो आते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री पे मोहनलाल सुखाड़िया, कौन आते हैं दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जो है दोस्तों याद रखिएगा सातवें चरण के अंदर मुख्यमंत्री पद पर रहे थे, राज प्रमुख पद पे आया था दोस्तों राज्यपाल जो सातवें 1956 के अंदर दोस्तों संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख राज्यपाल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये देखिए सात चरण, लेकिन हालांकि दोस्तों यहां पर हमने पढ़ा था पांचवा, पांचवें चरण को दोस्तों मिलाने के पीछे एक समिति थी जिसका नाम था दोस्तों शंकर देवराय समिति, क्या थी, शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति ने दोस्तों एक जनमत संग्रह करवाया था, याद रखना कौन सा करवाया था, जनमत संग्रह करवाया था। इस जनमत संग्रह के आधार पर ही दोस्तों मत्स्य संघ मिला था, किसमें, वृहद राजस्थान संघ में, और नया चरण बना था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। दिमाग को थोड़ा सा ऊपर रखना, मैं कह रहा हूं पांचवा चरण मिला किसमें, चौथे में जब पहला मिला तभी पांचवा बना था ना, तो चौथे का नाम वृहद और पहले का मत्स्य संघ, तो दोनों के मिलने के कारण पांचवा बना, और पांचवें में जो समिति गिरी गई थी दोस्तों वो शंकर देवराय, शंकर देवराय समिति में तीन सदस्य थे, एक था शंकर देवराय, एक था प्रभु दयाल और एक था आर के सिधावा। एक याद और रखना दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों शुरू किया गया, क्योंकि दोस्तों ये आबू देलवाड़ा वगैरह जो है यहाँ पर रह गए थे, इनको मिलाना जरूरी था, तो दोस्तों ये याद रखना दिसंबर 1953 के अंदर, 22 दिसंबर 1953 के अंदर दोस्तों ये क्या किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके तहत दोस्तों याद रखना यहाँ पर अध्यक्ष जो बनाया गया था वो था फैजल अली को, किसको था दोस्तों, फैजल अली, लेकिन किशनगढ़ फैजल अली है, ये किशनगढ़ चित्रशैली में फैज अली है, यहाँ पे ये फैजल अली है। तो इसमें जो ये झालावाड़ वाला जो सिस्टम हो रहा है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये दोस्तों सारा राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत किया जाता है। तो ये सब बातें रही दोस्तों किसकी, एकीकरण की, और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दोस्तों मैंने आपको एकीकरण समझाया। अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा बात नहीं की, शॉर्ट समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जो है अपने मॉडर्न हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर पक्के कर सकते हो मात्र 5 से 6 क्लासों के अंदर अंदर, और जो क्लासें बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्लासें हैं जिसको आप चलते फिरते इधर उधर उठते बैठते ही देख सकते हो, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है, एक बार बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करा दिया। तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर किया करो यार, मेरी मेहनत जो है वो आपके लिए है, तो आप इसका बताया करो भी सर यहाँ तक हमें समझ में आया बहुत अच्छा, ये वो जो भी कमियाँ आपको लगे वो कमियाँ शेयर किया करो, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगली क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।